हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त तो आने ही वाली है, तो इस 15 अगस्त पर ट्राई कलर रेसिपी तो बनाना बनता ही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्राई कलर राइस। तो चलिए ये देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले लेंगे हम एक पैन, अब उसमें हम डालेंगे ऑयल। एक बड़ा चम्मच हम इसमें ऑयल डाल देंगे। अब हमने कुछ गरम मसाले लिए हैं, जिसके लिए हमने लिया थोड़ा सा जीरा और ये दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 काली मिर्च, 4 लौंग, 2 तेजपत्ते के पत्ते, 2 छोटी इलायची और 1 लिए बड़ी इलायची। ये सब मसाले डालने से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब ये सब हम इसमें डाल देंगे, थोड़े क्रैक होने देंगे हम इन्हें। मसाले थोड़े क्रैक होने लगे हैं। अब हमने प्याज ली थी जिसको मैंने चॉप करके रखा है, इसे हम इसमें डाल देंगे। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। मैं इसका हल्का सा कलर ट्रांसलेट होने तक हम इसको फ्राई करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे हम इसे। अब देखिए हमारी जो प्याज है हल्की से ट्रांसलेट हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको भी थोड़ा भून लेंगे। अब इसमें हम ये चावल डालेंगे। मैंने 1.5 कप चावल लिए थे जो मैंने आधे घंटे पहले इसको धोकर भिगो दिए थे, अब ये भीग चुके हैं। मैंने बासमती राइस लिया है, अब इसे हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। इसमें हमने 2 कप पानी ऐड किया है और 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे। इसे थोड़ा चला देंगे। अब हम इसकी लीड ढक देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। इसे हम लो फ्लेम पर ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे। अब हमारे चावलों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इन्हें चेक करेंगे लीड हटाकर। ये देखिए अच्छे से गल गए, कुक हो गए अच्छी तरीके से और इसमें अब पानी भी नहीं है। अब इस स्टेज पर हम कलर डालेंगे। हम ये देखिए मेरा ऑरेंज फूड कलर था जो मेरा पाउडर फॉर्म में था, मैंने 1 टीस्पून पानी डालकर और 2 पिंच मैंने इसमें कलर डाला है तो अपना ऑरेंज कलर बनाया है। और ये मैंने ग्रीन कलर बनाया है, इसके लिए भी मैंने 2 टीस्पून पानी लिया है और 2 इंच मैंने इसकी पाउडर डाला है, इसको ग्रीन कलर बनाया है। अब इसको हम इसमें डालेंगे। देखिए इस साइड हम ग्रीन कलर डालेंगे और इस साइड हम रेड कलर डालेंगे। अब इसे हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही ढक के पकाएंगे। ये देखिए हमारे 2 मिनट्स हो चुके हैं और हमारे अच्छे से चावलों पर कलर आ चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और 2 मिनट तक ऐसे ही ढके रहने देंगे, उसके बाद हम सर्व करेंगे प्लेट में। ये देखिए हमने प्लेट में सर्व कर लिया है इनको। और अब जो हमारे बाकी बचे हुए चावल हैं, आप देखिए हमारे पैन में जो बाकी बचे हुए चावल थे उनकी भी हम एक न्यू कलर की डिश बनाएंगे। ये देखिए अब इनको हम ऐसे लीड लगाकर ऐसे मिक्स कर देंगे सारे चावल को। अब ये सारे मिक्स हो गए, इन्हें भी हम प्लेट में निकालेंगे। ये देखिए हमने इन्हें भी प्लेट में निकाल लिया है, कितने सुंदर लग रहे हैं ये भी कलरफुल सारे चावल। आप इन्हें इस टाइप से भी सर्व कर सकते हैं,
सारे कलरफुल चावलों को मिक्स करके या फिर आप इस टाइप से भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए हमारे अब ट्राई कलर चावल तैयार हैं। इस 15 अगस्त पर आप जरूर ये ट्राई कलर चावल बनाइएगा और सबको खिलाइएगा। देखिए सबको पसंद आएंगे ये। और आप प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज 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 इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।